किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज करनाल में अधिवेशन किया जा रहा है? करनाल में अधिवेशन है और कई स्टेट के लोग यहाँ पे हैं और बातचीत करेंगे, सब लोग में आपस में मिलेंगे, क्योंकि जब लोग मोर्चे पे होते थे तो बहुत संगठन वहाँ पर रहते थे और ये यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के सब लोग हैं, तो आपस में मिलजुलेंगे, बात करेंगे। कई स्टेट के लोग हैं, मिलना जुलना होगा, आगे संगठन की चर्चाएं होंगी, बैठ के बात करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, पंजाब में भी किसान बैठ गए धरने पर, कई मांगे हैं उनकी? पंजाब में बैठ के उनकी भी कुछ समस्या होगी तो बातचीत करेंगे उनसे भी, और सरकार भी उनसे बातचीत करें। तो फिलहाल किस तरह देखते हैं इस समय देश के हालात, किस तरह क्या कहना चाहेंगे? अलग संगठन भी नहीं है भाई देश में, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं है, गेहूं निर्यात होना था उस पर भी रोक लगा दी है। भाई 2 रुपया अगर किसान को ज़्यादा मिल जाता तो सरकार को क्या दिक्कत है? फूड सिक्योरिटी तो किसान दे देगा ना, आप उसको पैसे दे दो, जो चाहिए हम दे देंगे। सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, अगर निर्यात नहीं कर रही तो पर क्विंटल 500 रुपये 1000 रुपये के हिसाब से आप सीधा किसान के अकाउंट में डाल दो, MSP गारंटी कानून बनाओ, तो ये सारे सवाल। तो किस तरह मजबूत किया जाएगा आज के अधिवेशन से? मजबूत तो है ना, मजबूत तो है, बातचीत करेंगे सब लोग हैं यहाँ पे, चर्चा करेंगे सब। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज का जो अधिवेशन रखा गया है उसमें जो है कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए किसानों के साथ वार्तालाप होगी, और किसान नेता राकेश टिकैत ने MH1 न्यूज़ से जो है खास बातचीत में जानकारी दी। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।